जय हिंद साथियों, नमस्ते। वंदे मातरम। आज हम लोग जो है पटवारी की स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। और साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है आज आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले हैं ना, उससे रिलेटेड ही मिलेंगे। और आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पर मिलने वाले हैं। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। क्लास नंबर 13 है और लगातार आपके लिए प्रतिदिन ही सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं सेशन की ओर। सेशन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सिस्टम में या फिर अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र में या फिर परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में या स्वचालित तंत्रिका तंत्र में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो बात करें करेक्ट, तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, मतलब ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक नहीं साथियों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलेगा, और काफ़ी सारे फैक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी है, वो सारे के सारे आपके लिए मैंने एकत्रित किया है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ओके साथियों, चलिए, जैसे कि आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि यह आग की पुतली को जो है क्या करता है, सिकुड़ता है, जैसे कि यह स्वेद ग्रंथियों से पसीने को स्रावित को क्या करता है, यह घटाता है, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। आते जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, मेडुला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कार्ड से या फिर आपका वेगस तंत्रिका से। तो साथ सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए क्या है आपका, इम्पल्स का प्रारंभ मेडुला से होता है। सेरिब्रम की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, यह बुद्धिमता, स्मृति, इच्छा, ऐच्छिक क्रिया सभी को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है, मतलब उसका केंद्र ही होता है नियंत्रण का। चले, सेरिबेलम की बात करें, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिबेलम करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करें तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसे हम लोग छोटा दिमाग बोलते हैं, वही आपका मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। स्पाइनल कार्ड की बात करें तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, आपका सेरिब्रम या फिर आपका सेरिबेलम, स्पाइनल कार्ड या मेडुला ओब्लोंगेटा। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या आंसर बन सकता है। तो सभी का अगर आंसर आ रहा है मेडुला ओब्लोंगेटा तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या साथियों, क्या राइट आंसर होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। संकुचने का जो है संकुचन का नियंत्रण करता है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्रक होता है। अग्र मस्तिष्क, अनु मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। तो बात साथियों, अगर आप सभी ने लगाया है हाइपोथैलेमस तो बिल्कुल करेक्ट।